तो ये है मेरा हनोई का डे वन। ये मेरी वीडियो का पार्ट टू है। पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि मैंने कैसे फ़्लाइट्स की बुकिंग करी और अपने होम स्टेज की डिटेल्स और करेंसी एक्सचेंज के बारे में। तो 15 दिन के ट्रिप में हम कवर करेंगे हनोई, हलोंगबे, निनबिन से दानांग, होयान, नात्रांग, दलत, फिर होचिमिन। तो अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी पूरे 15 दिन की वियतनाम ट्रिप की आइटनरी। और यहाँ डे वन में हमने लोकल मार्केट एक्सप्लोर करा था। तो यहाँ हमें ये एक फ्रूट का रेट बता रहे थे जो कि था 20,000 डोंग, जो कि होते हैं 66 रुपीज़। और वैसे तो यहाँ पे भी किलो के हिसाब से मिलता है, पर हमें इस टाइम पता नहीं था, तो इन्होंने हमें बस एक ही फ्रूट पकड़ा दिया था 66 रुपीज़ का। हमने डे वन में ही एक लोकल ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुकिंग्स कर ली थी हनोई, हलोंगबे, निनबिन और दानांग तक के लिए, जिसमें हमें हलोंगबे में मिला डे क्रूज, ए बफे और इसके साथ लग्जरी लिमोजीन बस और एक बढ़िया सा लोकल गाइड। निनबिन में हमें बाइसिकल राइड भी मिली और निनबिन तक आने के लिए भी लिमोजीन बस। निनबिन से दानांग तक 12 घंटे लगते हैं, तो उसके लिए भी लग्जरी स्लीपर बस थी। और अगर आपको इस ट्रैवल एजेंट की डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे बुकिंग्स करने के बाद हम फिर से एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए और हम रुके थे बानमी खाने, जो कि यहाँ का लोकल फूड है। और ये सैंडविच जैसा होता है सबवे टाइप, बट ये काफ़ी क्रंची होता है और ये वेज और नॉन वेज दोनों में मिलता है। इसके बाद हम लोग निकल गए थे ट्रेन स्ट्रीट देखने, और हम लोग होटल से ही पैदल चले गए थे देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैब का प्राइस हमें काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। ट्रेन स्ट्रीट हमारे होम स्टे से ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए हम लोग यहाँ तक पैदल ही आ गए थे। और हमने अपना होम स्टे होयान के लेक के पास में करा था, और इसके आसपास ही सारी घूमने की जगहें हैं। ये होम स्टे हमने 2 नाइट्स के लिए बुक करा था एयरबीएनबी ऐप के थ्रू। जब हम ट्रेन स्ट्रीट पहुँचे तो यहाँ काफ़ी सारे कैफ़ेज़ के लोग हमें बुला रहे थे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली अलाउड नहीं होता है ऐसी फ़ोटो खींचना, तो आपको किसी भी एक कैफ़े में जाके बैठ के कुछ ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा। आगे नहीं जाना, मम्मी इस लाइन से पीछे। यहाँ आने से पहले आप ट्रेन का शेड्यूल देख लेना, ताकि आपको आते ही ट्रेन दिख जाए। फिर हमने यहाँ पे ऑर्डर करा था वीगन फो। यहाँ का राइस नूडल है और ये काफ़ी टेस्टी था, पर हमने ये एक ही बोल ऑर्डर करा, क्योंकि हमें यहाँ पे बस ट्रेन ही देखनी थी। और हमने ऑर्डर करा था इसके साथ ब्लूबेरी स्मूदी, जो कि उतना कुछ खास नहीं था। यहाँ पे खाने का प्राइस थोड़ा ज़्यादा था बाकी जगह से, पर वियतनाम में खाना आपको काफ़ी सही रेट में मिल जाएगा। तुमने कितना बिल आया? 1,10,000। 1,10,000 का खाना था ये? क्या क्या बोलना चाहेंगे? 1,00,000 का वैल्यू कितना है? ये बताएं। 300 समथिंग। यहाँ पे हमने इंडियन खाना भी ट्राई करा था, जो कि लोकल फूड के कंपेरिजन में कॉस्टली था काफ़ी। तो जहाँ से हमने ट्रेन स्ट्रीट लिए एंटर करा, तो यहाँ पे एक ही साइड में कैफ़ेज़ दिख रही थी, और इंस्टाग्राम में मैंने देखा था कि कैफ़ेज़ दोनों तरफ पे। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे खुद ही पैदल चल के चले गए थे, तो हमें मिल गई फाइनली वो जगह जहाँ पे इंस्टाग्राम की बहुत सारी फ़ोटोज़ दिखती है, और यहाँ पे हमारे रील वर्सेस रियल वाला सिनेरियो हो गया था। आधी ख़त्म है। क्या मतलब हुआ यार ये? अगर आप ट्रेन स्ट्रीट आना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रात के टाइम आइए। हम लोग भी यहाँ पे 9 बजे के आसपास गए थे, और लाइटिंग से कारण ये काफ़ी अच्छा सा दिख रहा था, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़। ये हम साथ साथ है की तरह की चल रहे हो सबके साथ। के बाद हम लोग होम स्टे वापस चले गए थे, और हमने यहाँ पे रिक्शा पूछा था, जो कि हमसे 600 रुपये ले रहा था। रानी।
फिर हमने डिसाइड करा कि सबसे चीपेस्ट मीन्स यही है कि हम पैदल ही अपने होटल चले जाए। तो हम लोग फिर से दोबारा से एक्सप्लोर करते हुए अपने होम स्टे पहुँच गए थे। और ये काफ़ी अच्छा आइडिया था क्योंकि हमने बीच में काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी खींच ली थी और काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशंस भी देखने को मिली हमें। और यहाँ हमने ट्राई करा था किंग रोटी, जो कि हम फिर से इंस्टाग्राम के सजेशन के थ्रू आए थे, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ हमने ऑर्डर करा वनीला मिल्की रोटी एंड कॉफ़ी चॉकलेट रोटी। ये एकदम फ्रेशली बेक थे, बट जैसा मैंने इंस्टाग्राम में देखा था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट था, बट इसके अंदर तो चॉकलेट एकदम ख़त्म था। नहीं हो रही थी तो ये था मेरा डे वन इन हनोई, और डे टू में मैं आपको ले चलूँगी हनोई से हैलोंग बे। तो अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। मम्मी आप कौन सा खाओगी लेज? इंडिया वाला। पापा आप कौन सा खाओगे लेज? इंडिया वाला खाएंगे, नॉन वेज कौन खाता है? नॉन वेज नहीं है बट ये। दी आप कौन सा खाओगी? कोई सा भी नहीं।